हाई गाइज मैं हूँ मेहा एंड इन कॉन्वर्सेशन विद मीज कार्तिक विद हिस पर इन धमाका वन जीरो फोर पॉइंट एट एस केफ एम पे आपका स्वागत है so so mm. uh, जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने बहुत टांग खींची है एंड आई हैव प्रूफ बिकॉज़ मैंने सब कुछ वीडियो पे लिया है एंड थैंक यू फॉर ऑल दैट कंटेंट बिकॉज़ इट फुल्ली वायरल अरे बट दैट वाज अ पति पत्नी और वो वाला जमाना लव लव सीन विद यू इन अ होल अदर लाइट नॉट लिटरली बट लाइक आई द मूवी and i was sitting there like one of those people whom i'm sure you had in mind ki, ye jo ye wali audience hai na, inko ki main perform kar sakta <laughs> main aise intense roles kar sakta i was that audience and that's i was so nice. quiet and i was like all right you have my attention Karthik. Araya, that's so sweet that's such a good uh, nice compliment and thank you for that um, मैं क्रेव कर रहा हूँ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए और इस फिल्म ने मुझे वो एक uh, uh, क्या बोलते हैं एक जरिया दिया है एक uh, अप, अपने आप को एक अलग लाइट में दिखाने का एक मौका दिया है और आई थिंक आई एम आई एम रियली रियली हैप्पी विद द वे इट्स गोइंग विद द वे एवरीबडी इज़ परसिविंग इट रिसीविंग इट एंड द काइंड ऑफ काइंड ऑफ प्लानिंग से प्रेप से लेकर जितना भी इसमें मेहनत गई है वो एकदम रंग ला रही है एंड उसका रिजल्ट अभी एंड द प्रेप इट्स स्पीकिंग फॉर इट सेल्फ सो आई एम सो रिलीव एंड आई एम सो हैपी दैट यू गेटिंग इट एंड इटली एक ही चीज थी कि मैंने फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश आई जस्ट वांटेड टू लाइक सेट योर हेयर राइट लाइक बाल सामने दैट आई माय डार शूटिंग के दिनों में हाउ आर यू हैंडलिंग योर हेयर बिकॉज़ आई नो दैट वाज बिगर देन योर ओन हेड इट वाज आई मीन माय हेयर स्टाइल इन दिस फिल्म जो कैरेक्टर के आग से मैच कर रहा है तो कभी रफल रहते तो रफल माहौल ही चल रहा है कभी वो एकदम सेट है तो एकदम एंकर वाले उसमे जोन में ही है कभी तो, फनी वे ही होल परसोन ऑल्सो एंड एक तरीके से आप मुझे भी दूसरी लाइट में देख रहे थे वहाँ पे मेरे लिए पूरा मेकओवर ही था इस पूरी फिल्म में बींग फ्रॉम प्लेइंग अ कैरेक्टर लाइक दिस द वे ही लुकड द वे ही स्पोक द वे certain थिंग्स

और एक सर्टेन लेंथ उनको चाहिए थी ही वांटेड बिकॉज स्टोरी लाइन में भी वो कैरेक्टर वो है कि बहुत टाइम से वो एंकरिंग किया नहीं है hmm. वो आरजे डिमोट हो गया था या उसको हटा दिया था उसकी जॉब से एंड देन ही गॉट अ जॉब एज एन आरजे तो वहां पे he's है कट हाँ हाँ हा. <laughs> So, uh, he's a wise guy. <laughs> Haan, उस जमाने सोशल मीडिया नहीं है ना आपके इस यूनिवर्स में बट <laughs> एंकरिंग exactly. में देन वो एकदम से उसका पूरा मेकओवर है yeah. which is again one of my very i, I love that scene how the whole uh, uh, studio the radio studio changes into a newsroom you know what, I, what really stuck with me was the fact that on the daily basis i huh? struggle struggle to name this is my balancing act of life key i am playing one character on radio and then then there is me the normal self what i saw in your stance was that you were struggling with three people yeah one that is arjun Pathak.

आई थिंक एवरी डे वॉज लाइक दैट मतलब uh, मेरे लिए ईजी ये बात थी कि मेरे पास एक डायरेक्टर था जो रॉक सॉलिड वहाँ पे खड़े थे मेरे साथ राम माधवानी सर बट मेंटली इमोशनली फिज़िकली बहुत टैक्सिंग था ये सब करना बिकॉज uh, वो बहुत जद्दोजहद ज़्द थी बहुत वो चीज़ों के बीच में uh, कि थॉट प्रोसेस यू हैव टू बी क्विक इट वाज लाइक अ थिएटर प्ले विच वाज गोइंग ऑन वी वर शूटिंग लाइक

अकॉर्डिंग टू दी को एक्टर अकॉर्डिंग टू दी कैरेक्टर विच वॉज कमिंग इन तो बॉस के साथ एक बॉस वाली हरकत थी किसी और के साथ झूठा बन रहा था किसी के साथ प्यार था सो आई थिंक वो वो एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर भी एक दिमाग में लेके चलना था कि अच्छा है विद डिफरेंट वेवलेंस राइट नाउ राइट एंड दैट वॉज द मोस्ट टैक्सिंग जॉब बिकॉज एट वंस कई बार ऐसा हो रहा था कि सारे कैरेक्टर्स से सब रिएक्ट इमोशंस और सबके साथ में एक्ट कर रहा था एट वन गो एंड मोस्ट ऑफ द लाइंस अर्जुन पाठक की होती थी hmm. क्योंकि वो वहां से बोल रहा है कुछ ही इज द एंकर इन रियल लाइफ इन इन योर इन योर ओन ट्रू कैरेक्टर आर यू हैप्पीयर देन दिस गाय और आर यू मोर इंटेंस देन दिस गाय अर्जुन पाठक आई एम इंटेंस एज अ एज अ पर्सन आई एम हंसी मजाक और ये सब के पीछे मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस हूँ mm. और इनफैक्ट मेरा फेवरेट जॉनर जो जो टू परफॉर्म और टू सी इज इज मे बी अ थ्रिलर और अ ड्रामा ड्रामेटिक सीन्स मेरे सबसे फेवरेट सीन्स है टू परफॉर्म आई एम क्यूरियस व्हाट डिड ही सी ऑफ योर वर्क और इन यू एज अ पर्सन इट वाज एन इंटरेक्शन एंड आई हैड मेट फॉर सम अदर फिल्म अच्छा uh, he wanted to make a comedy with me. Yeah, that makes sense. <laughs> that makes sense, right? <laughs> That's the beauty of the film, uh -huh. that you see the film through Ar this character Arjun Pathak's eyes. You don't see a dhamaka through ऐसे की बाहर. You see it through him कि उसने window पे देखा ओ ये blast हुआ. Yeah. उसने report किया तो आपको reporting आपको ये नहीं पता है कि पीछे पीछे क्या चल रहा है. Yeah. पीछे commandos की क्या बात हुई होगी. Mm. क्यों वो रुके हैं. क्या रियल है क्या झूठ है ये सब आपको नहीं आपको एक कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा है right. इसके सामने ये हो रहा है mm. अभी पीछे हो सकता था कुछ प्लानिंग चल रही है mm. पीछे और भी सौ चीजें लॉजिकल चीजें भी चल सकती थी mm -hmm. लेकिन हम उस दैट्स इज ब्यूटी दैट ही डिडंट वांट टू टू गो देयर लेट्स डिट वो कि यहां पे इसको क्या इंफॉर्मेशन आ रही है mm. और ये रिएक्ट कर रहा है तो दिस इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू There are so many moving parts in one go, and this is where I want you to come in and tell me what is it, what is that one very unique thing about The Man behind time. Arjun Patel. Uh. Uh, I think he uh, he's a very calm personality when it comes to his work, when it comes to his thought process, but he's very clear and he's very. Uh, uh, मतलब ऑल दिस केओस या ही इज वेरी क्लियर एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट ही नोस व्हाट ही वांट्स आई मीन हिज हिज वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी ह्यूजली आई थिंक इट्स इट्स वर्ल्ड वाइड इट्स इट्स एंड आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड कि उस तरीके का एक फिल्म मेकर जो जिसकी शॉट टेकिंग एंड जिसका थॉट प्रोसेस बट थॉट प्रोसेस उनका बहुत कल्चरल है

पावर हाउस ऑफ टैलेंट एंड आई आई लवकिंग विदीजन एक्टर दूसरे को एक्टर को बहुत देखे जाती है सो आई लव्ड दैट फैक्ट अबाउट हर, एंड द वे शी वाज रिएक्टिंग टू सर्टेन थिंग्स व्हिच गिव मी द एनर्जी टू रिएक्ट टू दोस थिंग्स अगेन

And the scene goes from there to there. Oh boy. The choking was never written in the scene. I just want to thank Netflix for having the pause button because I was very happy. I literally had to take my own interval. I was like, guys, calm down. Everybody is losing their mind. Okay, before I wrap, I yeah. just want to know, and this is really personally important for me, ek actor is kya in the film?

Uh, मेरी वाह होती है जितना मैं उस झूठ को अच्छे से सच बोल के दिखा लूँ लेकिन इन रियलिटी आई थिंक इट्स माई फैमिली जो मेरे को बिल्कुल सच के क्लोज रखती है और वो बहुत ज़रूरी है एंड uh, मैं उ, उ, उस चीज़ की वजह से शायद से कभी भूला नहीं हूँ कि रियल real में रियलिटी क्या है hmm. वो एक ग्राउंड uh, रियलिटी जानना और उसके साथ हमेशा रहना आई थिंक दैट इज़ Uh, that is what a lot of um, actors who have ruled, mm -hmm. who have been there, and I th and yes, so they have always been intact in close touch with the reality, and they not forget So, that is very important. That's wonderful. I mean, beautifully articulated, and uh, thank you so much, Kartik, for you. doing this film, for being a part of this Netflix Dhamaka universe, and oh, growing in your own capacity for the world to see. Thank you, thank you, thank you. Chalo.